गुड मॉर्निंग जय मुरलीधर। तो सुबह हो गई है, चलो अभी बेल को लेने जाना है चाचा के घर पे। ये टाइल्स 100 है, 110 खोखे है, तो एक खोखे में कितने है वो तो नहीं पता है मुझे भी। चलो 110 ये पूरे खोखे है और एक खोखे में है 5 टाइल्स, तो सारी की सारी अलग अलग है। एक भी खोखा एक जैसा नहीं है, सारी अलग अलग है। वो भी लगेंगी ऊपर तब आपको दिखा दूंगा, तब देखना आप लोग। सारी अलग अलग है और ये स्क्रैप का माल है, इसलिए थोड़ा सस्ता भी पड़ा है, कहीं पर टूटी हुई भी मिलेगी। तो ये सारी कट करने वाले ही है, तो कहीं पर कटी कटी मिलेगी, देखेंगे वो आगे आगे। अभी तो बहुत देर की बात है, 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे शायद से, देखते हैं, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। और अभी रेत का भी खटारा होता है ट्रक, वो भी मंगवा लिया है भादर नदी जूनागढ़ साइड में, शायद भादर नदी है, वहां से ट्रक भी मंगवा लिया है। वो भी देखते हैं, वो भी हमारे चाचा ही लेकर आएंगे। ये ले आया मेरा भाई था और वो रेत ले आएंगे, वो मेरे चाचा है। चलो अभी फटाफट निकलते हैं, बेल को लेकर आते हैं। चाचा के घर पे पहुंच गए हैं, बाइक भी रख दी यहाँ पर, लेकिन अभी चाची बफेलो का मिल्क निकाल रहा है, तो थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद बेल लेकर निकलेंगे। चलो निकलते हैं अभी बेल को लेकर के। सोए हुए चाचा, राहुल, विवेक, चलो बेल को निकलते हैं और चलते हैं। तो दोनों पहुंच गए हैं हमारे घर पर, मतलब मैं और बेल। चलो अभी बेल यहाँ पर बांध दिया है, थोड़ी देर बेल को रेस्ट करने देते हैं, तब तक मैं नाश्ता कर लेता हूँ, नाश्ता भी नहीं किया था। चलो फटाफट नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। चलो नाश्ता हो गया है, अभी बेल को ले लेते हैं और फिर यहाँ पर हमारे बेल के पास ले जाते हैं, दोनों को साथ में करते हैं और फिर वहाँ पर इम्प्लीमेंट है, वहाँ सूखा चारा था वहाँ पर, तो चलो जोत लेते हैं, उसके बाद चलाने लग जाते हैं। तो चलने लग गए हैं बेल, देखिए इस तरफ एक बारी तो चलाता आया मैं, अभी इस तरफ चल रहे है। यहाँ से यहाँ तक का तो चला दिया है, अभी थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ बेल को। पापा मंडी गए है सब्जी मंडी, और राधिका और मम्मी घर के काम में व्यस्त है, तो मैं चला रहा हूँ अभी बेल। तो यहाँ पर रामसी बाबा का खेत है, उन्होंने देखिए ट्रैक्टर से खाद डलवाया था, तो एक दिन में कंप्लीट भी हो गया और दूसरे दिन इम्प्लीमेंट भी चला दिया। देखिए अब तो पूरा समतल हो गया, हम लोग पूरा समतल नहीं कर रहे है, देखो इसे, वो हमने इम्प्लीमेंट चलवाया था वो अभी दिख रहा है, तो इस तरीके से चला रहे। लेकिन विरल भाई ने देखिए पूरा समतल कर दिया है, तो ट्रैक्टर से करते हैं तो थोड़े ही टाइम में, कम टाइम में खाद डल जाता है, और ऐसे करते हैं तो टाइम लग जाता है। हमने 2-3 दिन तक बैलगाड़ी से डिगलियाँ की, वो खातेनी डाली, उसके बाद 2 दिन डिब्बे से खाद डाला, तो 4 दिन निकल गए और उसमें एक दिन में ही काम हो गया। एक बारी वहाँ पर जाते हैं और वापस इस तरफ आते हैं तो रेस्ट देता ही हूँ, ये भी ट्रेन कर रहे हैं ना, इसलिए एक वावणी हो जाएगी, उसके बाद कंप्लीट चलने लगेंगे। तो यहाँ पर बेल खड़े हैं, वहाँ से वो दीवाल तक का खेत है, इतने में चला है। और ये देखो मेरी बुआ का लड़का और चाचा का लड़का फिर से आ गए हैं, आज भी दिन में 3-4 बार आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ऐसे चलता रहता है। दोनों एक ही एज के है, इसलिए मजे कर रहे हैं फूल। और वेकेशन भी है, गर्मियों का छुट्टी है गर्मियों की, इसलिए फूल मजे ले रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बेलों की रखवाली करोगे भैया? मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ, यहाँ नहीं वहां पर बैठ जा। चलो राहुल बेलों की रखवाली करता है, तब तक मैं पानी पी कर आता हूँ। तो मम्मी और दादी का हमारा हर दिन का काम करने लग गए हैं। चलो अभी निकल रहे, पानी पी लिया।
अभी धूप खिल गई है देखो पूरे में, 9:30 बजने को आए हैं। चलो अभी तो थोड़ी देर और चलाएंगे, इसीलिए ही सुबह स्टार्ट कर दिया था जल्दी से ताकि धूप ना लगे। हमें तो चलता है लेकिन बैलों को धूप ना लगे थोड़ी, इसलिए वरना वो ज्यादा थक जाते हैं ना। हमें तो सिर्फ ऊपर चढ़ के ही हो बोलते जाना है, लेकिन बैलों को ही असली मेहनत होती है, इसलिए सुबह जल्दी स्टार्ट कर दिया। तो पापा भी आ ही गई, अभी राहुल को वहाँ बिठा दिया था, मैं पानी पीने के लिए आया था। देखिए वहाँ पर इम्प्लीमेंट रख दिया है और दोनों बैलों को निकाल लिया है। चलो अभी पानी पिलाते हैं दोनों को और इसको चाचा के घर पर छोड़ कर आते हैं उनका बैल। तो घर पे पहुँच गए, बैल को छोड़ के वापस आ गए है। आज विवेक हमारे घर पर ही रुकने वाला है। हमारे पड़ोस में अभी ट्रैक्टर और लोडर वगैरह चल रहे है, चलो दिखाता हूँ आपको। वो पथरीली मिट्टी डली हुई है ना, वो मिट्टी अभी जमीन में खेत में डालने लग गए है। चलो दिखाता हूँ खाद कैसे डालते है, उसी तरीके से डाल रहे हैं। चलो वहाँ दिखाता हूँ। दो ट्रैक्टर है, वो तो इनका ही है और ये वाला भी पास के खेत में है उनका है, तो दोनों घर के ही ट्रैक्टर है। और ये लोडर, इतना सारा ढेर शाम तक खत्म हो जाएगा देखना। ये दोनों मामाओं का खेत है, ये वाले और ये वाले मामा का। अभी 5 बजने को आए हैं, देखिए इतनी पड़ रही है, मतलब पथरीली मिट्टी। ये एक ट्रैक्टर में होगी शायद से। चलो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। बाय बाय।